एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता अकेडमी चैनल। तो कैसे आप सब? तो आज हम एसएससी जीडी एग्जाम जो कि अगले महीने की 10 जनवरी से आपका शुरू होने वाला है उसके बारे में डिस्कशन जो है करेंगे। सबसे पहले बात, बहुत कम टाइम रह गया है। अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो 2-3 दिन निकाल दें तो हम रफली जो आइडिया ले लेते हैं कि आप 21 दिन मानकर चलिए आज से कि जो है आपके 21 दिन जो है केवल रह गए हैं एग्जाम में। 10 जनवरी से आपका एग्जाम है, 2-3 दिन जो है हम छोड़ देते हैं, राउंड ऑफ करके चल रहे हैं। तो 21 दिन में आप अपनी एक सीट कैसे सुनिश्चित करें, क्योंकि हर कोई स्टूडेंट चाहता है कि जिसने भी एग्जाम भरा है, फॉर्म भरा है, कि हमारा जो सिलेक्शन है हो जाए, हमें जो है हमारी सरकारी नौकरी जो है वो आपकी पक्की हो जाए। तो इसके लिए क्या करें, तो यही चीजें जो है आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी एग्जाम हो तो उसमें जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे अगर हम एसएससी जीडी की अगर हम बात कर रहे हैं तो जितने भी स्टूडेंट्स ने एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है जो एग्जाम देंगे, वो सभी स्टूडेंट्स जो है 3 कैटेगरी में जो है डिवाइडेड होते हैं। मतलब हम 3 कैटेगरी में स्टूडेंट्स को रखते हैं। पहली कैटेगरी में वो स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने शुरू से अपनी स्टडी जो है कंटिन्यू रखी हुई है, वो पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एसएससी जीडी का जो है फॉर्म निकल चुका है और हम अभी से जो है तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो तब से वो कंटिन्यूअस अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और अभी एग्जाम आने वाला है, तो अब भी उनका जो पेस है वो सेम बना हुआ है, वो उसी तरह से कंटिन्यूटी मेंटेन करते हुए अपनी स्टडी कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी में वो स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने पहले बहुत ज्यादा पढ़ लिया, मतलब पहले बहुत अच्छे से पढ़ा है लेकिन अब जो है उनकी जो एनर्जी लेवल डाउन हो चुका है, अब उन्हें शायद बोरियत महसूस होने लग गई है, या फिर आप किसी भी कारणवश आप कह रहे हैं, कुछ भी रीजन हो सकते हैं कि अब जो जब एग्जाम आपका पास आ रहा है लेकिन अब उनकी उस लेवल की स्टडीज नहीं हो रही जैसी उन्होंने पहले की थी, अब उनका जो पेस है तैयारी करने का वो आपका स्लो हो चुका है, तो उन स्टूडेंट्स को हम सेकेंड कैटेगरी में रखते हैं। थर्ड कैटेगरी में आपके वो स्टूडेंट आते हैं कि जिन्होंने आपका इतनी अच्छी पढ़ाई ही नहीं की। अब ऐसे स्टूडेंट्स, अब कोई स्टूडेंट, पहली बात, ऐसी कैटेगरी थर्ड कैटेगरी में भी हम उन स्टूडेंट्स को तो नहीं रख सकते, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि किसी स्टूडेंट ने थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ा होगा, कभी तो उसने पढ़ा होगा, कुछ तो पढ़ा है, तभी तो वो इस लेवल तक पहुंचा है कि वो एग्जाम का फॉर्म भर रहा है ना, तो कुछ तो पढ़ा है, चाहे उसने उतनी अच्छे से चीजों को डीपली जो है नहीं पढ़ा, ना उसने डीपली पहले पढ़ा, ना अभी एग्जाम क्लोज आ रहा है तो अभी तक उसने नहीं किया, तो उस स्टूडेंट को हम थर्ड कैटेगरी में रख रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं लेकिन इतना डीपली ना उन्होंने पहले कवर किया ना अभी कवर किया। लेकिन इन तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट की एक बात कॉमन है और एक बात कॉमन क्या है कि सभी स्टूडेंट जो क्या चाहते हैं, एक सीट, मतलब एसएससी जीडी एग्जाम में चाहते हैं कि सभी जो है सक्सेसफुल हो जाए, सभी के जो है टेस्ट जो है क्लियर हो जाए और उन्हें जो है सरकारी नौकरी उनकी पक्की हो जाए। तो अब हम क्या करें, है ना, तो क्या करें कि हम जो आपके 21 दिन आपके जो रह गए हैं, 21 दिनों में अपना जो है लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, कैसे अपनी जो है कैसे एसएससी जीडी के एग्जाम को क्लियर करें। तो पहली कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो पहले भी पढ़ रहे हैं डीपली और कंटिन्यू लगे हुए हैं, तो वो तो बहुत अच्छी बात है, उनका तो ज्यादा उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड और थर्ड कैटेगरी, साथ ही फर्स्ट कैटेगरी अगर देखना चाहे तो उनके लिए भी मैं थोड़ी सी जो है चीजें बताऊंगी, तो आप जरूर देखें। तो कैसे तीनों कैटेगरी में जो आपके देखे जो स्टूडेंट्स हमने डिवाइड किए हैं, वो कैसे इन बचे हुए 21 दिनों में कैसे अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें कि अब भी किसी ना किसी तरह वो अपना जो है एग्जाम क्लियर कर ले अगर वो ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए जो एग्जाम है, चलिए पहले हम एक ओवरव्यू देखते हैं कि आपका जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था एग्जाम पैटर्न क्या है आपका, कि जो एसएससी जीडी के एग्जाम में आपके जो मेनली जो 4 सब्जेक्ट्स आपके हैं जो है वो कौन कौन से हैं, एक तो है आपका मैथ्स, रीजनिंग, उसके अलावा है आपका हिंदी और इंग्लिश। कई स्टूडेंट्स हिंदी लिया है तो कईयों ने इंग्लिश लिया है, और लास्ट आपका जो है आपका जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज, या फिर इसी में आपकी जो है तो करंट अफेयर्स भी जो है आपका आता है। तो ये आपका जो मेनली जो है करंट अफेयर जो पोर्शन है आपका फोर्थ पोर्शन
फोर्थ कैटेगरी में है। इनमें से क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 20-20 क्वेश्चन है, 20-20 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन जो है आपका कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, तो टोटल आपका 40-40 मार्क्स जो है ईच सब्जेक्ट से जो है आपके आएंगे। तो 40 मार्क्स जो है ईच सब्जेक्ट में आपको जो है आपके कवर आप कर सकते हैं, जिसमें आपका पूरा जो एग्जाम होगा वो कितने घंटे का होगा, कितने, 1 घंटे का, यानी कि 60 मिनट, 1 घंटे का आपका एग्जाम होगा, और टोटल क्वेश्चन कितने हो गए आपके, 80 क्वेश्चन हो गए, मार्क्स कितने टोटल हो गए, 160 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर हो गया, जिसमें से अगर आपका कोई क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है एक क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन के गलत होने पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, याद रखें हाफ मार्क्स जो है आपका कट जाता है, तो नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ध्यान से आपको पेपर को करना है। तो ये चीज हमने देखी। अब हम देखते हैं एक एक चीज करके। सबसे पहले तो कि ये अभी 21 दिन रह गए हैं, तो हम क्योंकि सभी स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो पहले से ही उन्होंने डीपली पढ़ा है, तो उनका तो सब कुछ ही उन्होंने कवर कर रखा होगा। हम सभी को साथ लेकर चलेंगे, सभी स्टूडेंट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप स्मार्ट स्टडी किसे कहते हैं, स्मार्ट स्टडी उसे कहते हैं कि आप कम समय में आप सिलेक्टिव चीजों को पढ़े। सिलेक्टिव चीजों का मतलब जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको पढ़े। और वो कैसे आपको पता लगेगी, जो आपके लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, सबसे पहले आप उसे एनालाइज करें कि ज्यादा क्वेश्चन जो है आपका किस पोर्शन में आए हैं, और उन टॉपिक्स को आप पक्का कर लें। अब जैसे कि हम बात करें मैथ्स की, मैथ्स की तो मैथ आपका बात करें मैथ्स जो है, तो मैथ्स की अगर बात करें तो यहां पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपके टॉपिक्स लिखे हैं, देखें। तो यहां से मैथ्स की सिलेबस की मैंने अब बात की है कि सबसे पहले तो आपका जो 10th क्लास का अगर आप मैथ्स है उसको पक्का कर ले, 10th क्लास का जो मैथ है ये आप पक्का करने की जरूरत है। साथ ही मैथ्स की बात छोड़े तो अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी सब्जेक्ट, मेनली जो हिंदी सब्जेक्ट में आपको 10th क्लास का जो हिंदी का पोर्शन है, तो यहाँ पर हिंदी के साथ आप जरूर लिख लेगा कि 10th क्लास के जो स्टैंडर्ड है, 10th क्लास स्टैंडर्ड की जो व्याकरण की बुक है, आपकी ग्रामर की बुक है, वहां पर आपको साथ में यहाँ पर लिख ले हिंदी और इंग्लिश, साथ में ब्रैकेट में लिख ले 10th क्लास, क्योंकि ये जो आपका सब्जेक्ट है वो पूरा आपका 10th क्लास की अगर ग्रामर आपने अच्छे से की है तो वहां पर आपका पूरी तरह से आप ये सब्जेक्ट जो है कवर कर सकते हैं। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिखे हैं कि लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स का एनालाइज करें, तो यहां से हमें पता लग जाता है कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में जो आपका टॉपिक है मैथ्स में, आपको ये टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, तो याद रखिएगा। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है प्रॉफिट और लॉस का, यानी कि जो आपका प्रॉफिट और लॉस टॉपिक है उसमें देखा गया है कि जनरली जो क्वेश्चन आए हैं 1 से 3 क्वेश्चन जो है आपके आए हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि जो ब्याज से जो क्वेश्चन आए हैं वहां से आपके 1 से 2 क्वेश्चन इस एरिया से भी आए हैं। मेरा कहने का यहाँ पर क्या मतलब है कि यहाँ पर मैंने अलग से क्यों लिखा है कि ये जो टॉपिक है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्योंकि यहाँ से इतने क्वेश्चन जो है जनरली आपके पूछे गए हैं, तो ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। तो इसी तरह जो आपका स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, समय, चाल और दूरी जो पोर्शन है, वो टॉपिक है मैथ्स में, वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहां से भी देखा गया है कि जो क्वेश्चन आए हैं पिछले एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपके पूछे गए हैं। एवरेज, औसत टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात में आपका जो है 1 क्वेश्चन आएगा, तो ठीक है, तो याद रखिए 1 क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से भी पूछा जाएगा। टाइम एंड वर्क, इससे आपके जो है 2 क्वेश्चन जो है पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। टाइम एंड वर्क, तो सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ये जो टॉपिक है पक्के कर लेने हैं कि इन टॉपिक से जो जनरली जो आपके क्वेश्चंस जो है आपके पूछे ही पूछे गए हैं, और इनकी जो है अप्रोक्सीमेशन भी मैंने आपको बताया। तो मैथ्स आपको एग्जाम जो है आपको इस तरह से कवर करना है कि क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो आपको ये जो टॉपिक है ये अच्छे से कवर जो है आपको करने हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक आपको आइडिया भी दे दिया है कि कहाँ से जो है कितने क्वेश्चन आपके जो पिछले एग्जाम्स में आए हैं। अब नेक्स्ट है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो आपके मॉक टेस्ट है, जो पिछले क्वेश्चन पेपर्स है, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स है, सिर्फ उनको सॉल्व करें। अगर आप सिर्फ अब इतने टाइम में अगर सिर्फ आप जो है ज्यादा से ज्यादा रीजनिंग, अगर आप रीजनिंग में
ज्यादा मार्क्स चाहते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो रीजनिंग में सिर्फ आप इतना कर ले कि रीजनिंग में जो आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, जो आपके मॉक टेस्ट पेपर है, उनको आप ज्यादा से ज्यादा जो है आप सॉल्व करें। अगर आप ये करेंगे तो इतने से आपका जो रीजनिंग में जो है काम जो है आपका चल जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश में से जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया है, आपका हिंदी सब्जेक्ट जो है मैक्सिमम जो है ऑप्ट किया है। हिंदी सब्जेक्ट में भी आपको ध्यान देना है कि जो ये टॉपिक है यहाँ मैंने लिखे हुए हैं कि इनसे जो है क्वेश्चंस बहुत आए हैं। इसमें जो आपका देखें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके आए हैं गद्यांश में से, जो आपका पैराग्राफ दे देते हैं उसमें से आपको क्वेश्चन जो है बताना होता है, क्वेश्चन आंसर जो है करना होता है, गद्यांश पढ़ के आपको आंसर देने होते हैं। यहाँ से 5 क्वेश्चन आपके जो है जनरली आते हैं। तो हिंदी में मुहावरे जो आपके होते हैं उनसे 1 से 2 क्वेश्चन, पर्यायवाची 0 से कई बार आ भी जाता है, अगर 0 लिखा है मतलब नहीं भी, या फिर इससे 1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्तनी से 1 से 2 क्वेश्चन, रिक्त स्थान जो आपका फिलिंग द ब्लैंक्स होती है कि वहां पर क्या आना चाहिए, 1 से 3 क्वेश्चन, वाक्यांश 1 से 3 क्वेश्चन, विलोम 1 से 2 क्वेश्चन, समानार्थी 1 से 2 क्वेश्चन, रेखांकित खंड 1 से 3 क्वेश्चन, गद्यांश 5 क्वेश्चन, और त्रुटि यानी कि 1 से 3 क्वेश्चन जो है यहाँ जनरली यहाँ से पूछे गए हैं। तो यहां से एक आइडिया आपको मिल गया होगा कि कहाँ से जो है कौन सा टॉपिक जो है आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको जो है पक्का जरूर करना है अगर आपको एग्जाम जो है क्लियर करना है। लास्ट आपका जो है वो है आपका जनरल अवेयरनेस, यानी कि जो आपका करंट अफेयर्स है, जो आपका लास्ट जो आप क्वेश्चन हम देखें करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में स्टूडेंट्स रहते हैं, हम क्या करें, वो क्या करते हैं कि इतने कम समय में हम ये नहीं कर सकते कि जो डेली का जो करंट अफेयर्स, जैसे कि एक एक दिन का करंट अफेयर्स, जो पूरे साल का एक एक दिन का करंट अफेयर हम कवर करते चले, तो ये जनरली इम्पॉसिबल है। तो अभी आप क्या करें, अब आपने देखा होगा कई यूट्यूब चैनल है, काफी अच्छे यूट्यूब चैनल है, तो आप देख ले कौन सा आपको जिसका ज्यादा समझ में आता है। पूरे मंथ का वो एक जगह एक वीडियो में करंट अफेयर्स का जो है निचोड़ बताते हैं, तो आप उन वीडियोस को सबसे पहले देखें। और करंट अफेयर्स में सिर्फ आपको कवर करना है कब से कब तक, आपका जुलाई से, ये आपका क्या चल रहा है दिसंबर, जुलाई से दिसंबर महीने का आपको जो करंट अफेयर्स जो है आपको कवर करना है, जुलाई से दिसंबर महीने का करंट अफेयर करना है, 6 महीने का करंट अफेयर आपको कंप्लीट करना है, पूरा 1 साल का करंट अफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें भी आपको क्या करना है कि जुलाई महीने का पूरे 1 महीने का जिस वीडियो में बता रखा हो, यूट्यूब चैनल आपको सर्च करना आपका काम है कि जुलाई महीने का जो करंट अफेयर्स की जो एक वीडियो होगी, जुलाई की, अगस्त की, सितंबर की, तो एक एक वीडियो सबकी 6 वीडियो आपको तैयार जो है करनी होगी, तो 6 दिन में आप जो है ये कवर कर सकते हैं, अपना कवर जो करंट अफेयर जो है कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको करंट अफेयर्स में जो है 6 महीने का सिर्फ करंट अफेयर कवर करना है, और उसके लिए आप देख ले कोई भी जो है यूट्यूब चैनल की वीडियो देख ले जहां मंथली जो है निचोड़ दिया गया है, या फिर ऑफलाइन बुक्स भी मिलती है कई जो है आपका मंथली करंट अफेयर्स की बुक, वहां से भी आप उन बुक से भी जो है अपना जो टॉपिक है कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से बस मेरा कहने का ये मतलब था कि जो तीनों कैटेगरी जो मैंने शुरुआत में बताए थे कि वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है, बात अगर अब उनकी करें तो उनके लिए मैंने बता दिया कि मैथ्स में आपका ये टॉपिक आपको पूरे अच्छे से कवर करने हैं, हिंदी में ये टॉपिक कवर अच्छे से करने हैं, रीजनिंग के लिए सिर्फ आपको क्या करना है कि आपको जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो अच्छे से आपको सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट पेपर ज्यादा से ज्यादा करने हैं, और करंट अफेयर्स के लिए आपको ये करना ही होगा, जो आपके पिछले 6 महीने का जो करंट अफेयर्स है वो मंथली जो बेस्ड के जो वीडियोस है वो आपको अच्छे से देखनी है, कवर करनी है। अब इन 21 दिनों में आप इस तरह से स्टडीज को कैसे करते हैं, अब आप बहुत जल्दी उठने वाले हैं तो सुबह उठकर आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, लेट तक जग सकते हैं तो लेट नाइट पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सुबह ही पढ़े या फिर लेट नाइट तक पढ़े। लेकिन अगर इन 21 दिनों में भी अगर आप सिर्फ डेली आप 6 घंटे भी पढ़ लें, 6 घंटे मतलब कि दो आप जो कह सकते हैं 6 घंटे भी कहा, आप 2 घंटे रोज टाइम दीजिए मैथ्स को, उसके बाद 2 घंटे आप टाइम दें, 1 घंटा आप टाइम दें रीजनिंग को, उसके अलावा
स्टूडेंट टू स्टूडेंट जो है आपका वो करता है, स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि अगर आपको लगता है करंट अफेयर्स में आप थोड़ा सा वीक है तो करंट अफेयर्स को 2 घंटा दे दीजिए, हिंदी आपकी ठीक है तो आप यहाँ पे हिंदी को 1 घंटा दे दीजिए, ये अगर आपको लगता है हिंदी आपके लिए डिफिकल्ट है तो हिंदी को 2 घंटे दे दीजिए और यहाँ पर आप जो क्या करें इसको 1 घंटा दे दीजिए। तो जिस हिसाब से आप करना चाहे वो कर सकते हैं। तो 2 घंटे मैथ्स को दे, 1 घंटा इसको दे, 2 घंटे इसको दे, 4-5 हो गए और 1 घंटा हिंदी को दे, तो 6 घंटे। तो डेली अगर आप 6 घंटे पढ़ते हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं, 6 घंटे जो है 21 दिन लगातार अगर आप 6 घंटे पढ़ते हैं तो 10 जनवरी का अगर आपको एग्जाम है तो 6 घंटे पढ़कर, लेकिन अगर आपको कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करनी है, अभी तक अगर आप नहीं पढ़े बिल्कुल भी लेकिन अब से अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा कोई स्टूडेंट बिल्कुल नहीं होगा, मैंने पहले ही कहा था कि जिसने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं, थोड़ा बहुत सबने पढ़ा होता है लेकिन अब अगर अच्छे से उसने नहीं पढ़ा था, डीपली नहीं पढ़ा, तो अभी अच्छे से कवर करे, सिलेक्टिव स्टडी करे, मतलब जहां से जो जरूरी चीजें हैं सबसे पहले वो चीज करे। ये चीज नहीं करना है कि नहीं मैं तो सब कुछ करूंगा, 0 से स्टार्ट करूंगा और 100 तक पहुंचूंगा, ऐसा करने का अब आपके पास टाइम नहीं है। सिलेक्टिव स्टडी जो है आपको करनी है, लेकिन कॉन्टिन्यूटी अब आपको मेंटेन करनी होगी अगर आपने अभी तक मेंटेन नहीं की, यानी कि आपको रोज जो है 6 घंटे निकालने होंगे, आपको 21 दिन में जो है आपको 6 घंटे रोजाना जो है पढ़ने होंगे। और वो 6 घंटे कैसे निकालने हैं, सुबह जल्दी उठना है, रात को लेट से सोना है, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके जो है दिनचर्या जो है आपकी वो कैसी है। तो ये था आज का पूरा एक वीडियो। अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ शेयर करें, उन सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जो आपका एग्जाम दे रहे हैं, ताकि सभी स्टूडेंट्स को जो है प्रॉफिट हो सके। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें, जहां आप शेयर करना चाहते हैं वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो मेरी जब भी आती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।